हाय फ्रेंड्स, दिस इज नेहा। वेलकम टू डेजर्ट मसाला। त्योहारों के शुभ अवसर पर लॉकडाउन की टेंशन ना ले और घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाइए सुपर डेलीशियस महाराष्ट्रियन डेलिकेसी पूरणपोली। सो लेट्स गेट रेडी फ्रेंड्स। हम सबसे पहले पूरणपोली का स्टफिंग बना लेंगे। इसके लिए मैंने एक कटोरी चने की दाल ली है। इसे मैंने 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इस दाल को प्रेशर कुकर में कुक कर लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ एक स्टील के बर्तन में दाल डाल दी, पानी डाला। दाल अच्छे से कुक होने के लिए ना फ्रेंड्स, हम इसमें ये लेवल तक पानी डालेंगे। अब एक कुकर लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। अब इसमें जाएगा 2 ग्लास पानी, फिर एक छोटी प्लेट या स्टैंड रख देंगे। अब जाएगी दाल, दाल को प्लेट से ढक लेंगे। हमें इसे हाई फ्लेम पे 6 विसल्स आने तक कुक कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अपनी दाल पक रही है, तब तक हम पूरणपोली का आटा बना लेते हैं। यह मैंने एक कटोरी आटा लिया है, इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाला और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे अच्छे से सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। मुझे ना इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा आटा और ऐड करके इसे फिर से गूंद लिया। अपने पूरणपोली का सॉफ्ट आटा रेडी है और अपनी दाल भी अच्छे से पक गई है, आप देख सकते हैं। अब इस दाल की हमें स्मूथ पेस्ट बना लेनी है, इसलिए मैंने एक ब्लेंडर जार में दाल डाल दी। सिर्फ दाल डालनी है फ्रेंड, जिसका पानी हमें नहीं डालना है। अब इसमें 1/2 कटोरी दूध डालेंगे, इससे ना इसमें एक रिच टेस्ट आएगा। बहुत से लोग इस रेसिपी में दूध की जगह पानी भी यूज़ करते हैं, बट मैं इस रेसिपी में सिर्फ दूध ही यूज़ करूँगी। सो फ्रेंड्स, हमारी दाल अच्छे से ब्लेंड हो गई है, इसे ऐसा स्मूथ टेक्सचर आना चाहिए। अब ये पेस्ट हम एक कढ़ाई या पैन में निकाल लेंगे। मिनट इसे लो फ्लेम पे कंटिन्यूसली घुमाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। पांच मिनट लो फ्लेम पे कुक करने के बाद हम इसमें 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना बने। अब इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फ्रेंड्स, नमक डालना वैसे तो ऑप्शनल है, पर अगर आप इसे डालते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत उठ के आएगा। 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे इस मिक्सचर को घुमाने के बाद ये मिक्सचर ऐसा गाढ़ा हो जाएगा और साइड्स छोड़ने लगेगा। इसका मतलब हमारा पूरन अब रेडी है। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। हमें इलायची पाउडर सबसे लास्ट में डालनी है ताकि इसका फ्लेवर मिक्सचर में बना रहे। अब इस मिक्सचर को अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब चलते हैं रोटी बनाने। सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा आटा लगा लेंगे। अब इस साइज की आटे की लोई लेंगे। हमें इससे नॉर्मल रोटी जैसे बनाते हैं ना वैसे ही बनानी है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है इसमें। इससे हम एक छोटे साइज की रोटी बेलेंगे। पूरन की स्टफिंग लेंगे और इसकी टिक्की बना के रोटी के सेंटर में रखकर इसे मोदक की तरह सील कर देंगे। और इसे इस तरह चपटा करके दोनों साइड से आटा लगा लेंगे। और इसकी रोटी बेल लेंगे। ये रोटी नॉर्मल साइज के रोटी के मुकाबले थोड़ी छोटी रहती है। आपको इसे सेंटर में ज्यादा
जोर दे के बेलना है और एजेस में आपको हल्के हाथ से बेलना है, नहीं तो इसकी क्रैक्स आएगी। और रोटी में ओवरऑल बेलते वक्त ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से रोटी बेलनी है। फ्रेंड्स, पूरन पोली ना दो टाइप से बनाई जाती है। पहला टाइप ऐसा है जैसे हम अभी बना रहे हैं, जिसमें स्टफिंग काफ़ी ज़्यादा डाल के मोटी रोटी बनाई जाती है, और दूसरे टाइप में स्टफिंग कम डाली जाती है और रोटी पतली बेली जाती है। इसमें का स्टफिंग भी थोड़ा ड्राई रहता है, पर इस ज़्यादा स्टफिंग की रोटी का ना फ्रेंड्स मज़ा ही कुछ और है। आप बस एक बार इसे खा के देखिए। सिमिलरली मैं आपको और एक रोटी बना के दिखाती हूँ। हमारी पूरन पोली सेकने के लिए रेडी है। अब एक तवे को लो फ्लेम पे गरम होने देंगे। इस पे घी डालेंगे और घी थोड़ा गरम होने के बाद इसके ऊपर पूरन पोली डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट पकने देंगे। अब इसके साइड्स में और ऊपर से अच्छे से घी डालेंगे। फ्रेंड्स, इस रोटी का स्वाद ना घी से आता है, इसलिए घी डालने में कोई कंजूसी ना करें। इसके ऊपर अच्छे से घी स्प्रेड कर लिया है। अब इसे पलटा देंगे और अब इस साइड से और घी डाल के 2 मिनट के लिए अच्छे से सेक लेंगे। दोनों साइड से अच्छे से सेकने के बाद आप देख सकते हैं अपनी पूरन पोली रेडी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और सिमिलरली बाकी पूरन पोली बना लेंगे। इस पूरन पोली को आप घी के साथ एंजॉय कीजिए। अब मैं आपको ये गर्मा गर्म पूरन पोली तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें पूरन कितना अच्छे से स्टफ्ड है और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। सो फ्रेंड्स, डू ट्राई दिस रेसिपी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।